नोट करिएगा, लेट द स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी एक्स किलोमीटर पर आर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी वाई किलोमीटर पर आर। अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं, तो फिर अब हमारी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? हमारी अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम मतलब लहरों के साथ अगर हम स्विम कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो दो केसेस दे रखे हैं, दोनों केसेस लेकर चलेंगे। यहां पर लिखेंगे अपस्ट्रीम और इधर नोट करिएगा डाउन स्ट्रीम। ठीक अपस्ट्रीम के केस में जो हमारी स्पीड है उसको एस वन बोल दीजिए, स्पीड ऑफ फर्स्ट केस एस वन। तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी, स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस देखिए, एग्जाम्पल 15 में इन्होंने बोला, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मतलब जो बोट है वो सेम स्पॉट पर वापस रिटर्न भी कर रही है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है बोट, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो जब मैं यहाँ पर टाइम निकालूंगा इस केस में, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी वन अपॉन एस वन ये हो गया। तो टी वन कितना हो गया बेटा, 24 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, सिमिलरली जब मैं, ये समझ में आ गया ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो अब इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम केस में जो स्पीड होगी उसको हमने एस टू बोल दिया, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और जो डिस्टेंस है डी टू ये कितना हो गया, सॉरी 24 किलोमीटर पर आवर मैंने गलत लिखा, इसको किलोमीटर कर दो। तो उन्होंने कहा कि डाउन स्ट्रीम जब वो वापस आती है, बोट जब वापस आती है, तो इट रिटर्न्स टू द सेम स्पॉट, सेम स्पॉट पर वापस आ रही है। तो सेम स्पॉट पर वापस आने का मतलब वो वापस जब आएगी तो भी तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 24। तो इस केस में जो टाइम होगा टी टू, टी टू क्या हो जाएगा, डी टू अपॉन एस टू। ठीक है, मतलब टी टू इज इक्वल टू 24 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हो गया। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई जो अपस्ट्रीम स्पीड है, अपस्ट्रीम स्पीड जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर मान लीजिए मेरी बोट चल रही है, या मैं स्विम नहीं कर रहा, हमने कहा हमारी बोट चल रही है 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर, और सामने से एक लहर आती है 2 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर, तो लहर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, उस केस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम केस। तो जब लहर अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो हमारी इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 कितनी हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर। अब जो बोट है, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड वही है 10 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम भी हमारी ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारी बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीम भी है, तो स्ट्रीम है 2 किलोमीटर पर आवर। तो 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12। तो अपस्ट्रीम के केस में 10 माइनस 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम के केस में 10 प्लस 2 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों में अंतर हो गया ना, अपस्ट्रीम वाली स्पीड तो कम है 8 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम वाली 12 वो ज्यादा है। तो जब स्पीड कम होगी तो हमको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, और जब स्पीड ज्यादा होगी तब हमको, हम जल्दी पहुंच जाएंगे कहीं पर भी तो टाइम कम लगेगा। तो अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लग रहा है और डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लग रहा है, तो अपस्ट्रीम यानी कि T1 बड़ा है T2 से, समझ गए? अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला
कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तो अपस्ट्रीम में जो टाइम ज्यादा लग रहा है वो कितना ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा, 1 घंटा ज्यादा। तो इसका मतलब ये वाला टाइम कम है, तो हम ये कहेंगे एज पर क्वेश्चन T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 1, शायद ये समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, इसमें टाइम हमको ज्यादा लग रहा है तो ये टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, ये T1 जो है ये ज्यादा है, कितना ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा। तो मान लो कि ये 10 घंटे हैं और T2 जो है वो 9 घंटे हैं, तो उसको उसके बराबर करने के लिए 9 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 10 के बराबर होगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ रहे हैं कि नहीं। पावनी, पालकी, यश, मोदित, इशिता, अक्षरा बताइए क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। अब वैल्यू डाल दीजिए, 24 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 24 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन। अब क्या करिए, जो प्लस वन वाला है इसको इधर ही छोड़ दो और इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 24 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू 1। जब डिनोमिनेटर में दो टर्म्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं तो एलसीएम लें किस तरह से लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये इसमें मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बीच में जो साइन है वो एज इट इज रहेगा। तो 24 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 24 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए 24 इधर भी है, 24 इधर भी है, तो कॉमन ले लो 24, न्यूमरेटर में 24 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस वाई माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई, क्योंकि 24 तो मैंने ये वाला 24 और ये वाला 24 तो कॉमन निकालकर बाहर रख दिया, डिनोमिनेटर में है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब न्यूमरेटर में माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर में बचा 24 मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस वाई 2y, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था ये यहाँ 1 में मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 24 टूजा हो गया बेटा 48y इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और ये दे रखा है क्वेश्चन में 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो x हमने माना है, हम स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर लेकर चलेंगे, जब भी कभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्विमर या स्पीड ऑफ शिप जो भी दे रखा हो, स्टिल वाटर की स्पीड को मैं x मानूंगा और स्ट्रीम की स्पीड को मैं हमेशा y मानूंगा, तो हमें ये प्रोसीजर लेकर चलना है। अब बहुत अच्छी बात है कि हमें ये x की वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर दे रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। अब x की जगह आप वो डाल दीजिए, x की जगह आ गया 18 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और यही हमको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो 48y 18 का स्क्वायर होता है बेटा 324 माइनस वाई स्क्वायर, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। 48 किस तरह से होगा, 324 की मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी, हाँ उसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो उससे कर दो, मतलब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर कर दीजिए, चाहे इससे कर दीजिए जैसा चाहो। मतलब ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है ना, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम थी एग्जांपल नंबर 15, तो इसमें
जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, वो बनाने के बाद वर्ड प्रॉब्लम में वो कभी नहीं बोलेंगे कि आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए या फिर आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से करें, तो जैसे ठीक लगे वैसे कर लें। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं तो उससे करके ले देख लेते हैं हम। डी निकाल लेते हैं यहाँ से भाई, ए की वैल्यू क्या हो गई, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 48 और सी कांस्टेंट की वैल्यू माइनस का 324। तो पहले डी निकालिए, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर क्या है, 48 का स्क्वायर, तो 48 इंटू 48, 64, 6 कैरी, 8 4 32 और 6 38, 4 8 32, 3 कैरी, 4 4 16 और 3 19, 4 हो गया, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4 प्लस 9, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13, 1 कैरी आ गया, 2 3 0 4। तो बी स्क्वायर हो गया बेटा 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -324। 48 का स्क्वायर हो गया 2 3 0 4 माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, 4 3 1। ऐड करिए, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 9 10, अगेन 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6 और 2 प्लस 1 3, 3 6 00। ठीक है, ये आ गई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। देयरफोर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन 2a। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 48, तो -48 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना आया बेटा 3 6 00 अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -48 प्लस माइनस 3600 किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 60, 60 और अपॉन 2 इंटू 1 क्या हो गया 2। तो x की दो वैल्यूज, सॉरी ये मैं x गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पर y था, यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल था वो y था, तो y लिखिए। y इज इक्वल टू -48 प्लस 60 अपॉन 2, या फिर y इज इक्वल टू -48 -60 अपॉन 2। तो देखिए यहां से तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, उसको छोड़ो। 60 -48 कितना हो गया 12, 12 अपॉन 2 कितना हो गया 6, तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं बेटा, क्लियर है सबको? बताइए पावनी, पालकी, यस मोदित, सर, यस सर, क्लियर है? अक्षरा, इशिता, यश, यस सर, ठीक है। चलिए जी, अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 तो सिलेबस में नहीं है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर उसको छोड़िए, 3 आप करना, और 4th करवाऊंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4।
एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स, रहमान्स एजेस 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स The sum of the reciprocals of Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years from now and 5 years from now is 1/3, find his present age। Let Rahman's present age be x years। मैंने उसकी प्रेजेंट एज को x years मान लिया, ठीक है, तो थ्री ईयर्स एगो हिज एज, 3 साल पहले उसकी एज कितनी हो गई, फिर x माइनस थ्री ईयर्स, और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो नाउ मतलब प्रेजेंट, आज से 5 साल बाद, तो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ हिज एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5 ईयर्स। और क्या है कि इन दोनों एजेस का, ये जो 3 साल पहले की एज है और जो 5 साल बाद की एज है, इन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, ठीक है। तो इसका मतलब एज पर क्वेश्चन वन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 1/ एक्स प्लस 5 is equal to 1/3, x minus 3 और x plus 5, इन दोनों का ले लीजिए LCM, तो LCM क्या हो जाएगा, x minus 3 into x plus 5, जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, तो LCM के नाम पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, one will get multiplied by x plus 5 and this one will get multiplied by x minus 3, और बीच में प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, x plus 5 plus x minus 3 is equal to 1/3। अब x plus x कितना है, 2x, और plus 5 minus 3, 5 minus 3 कितना हो गया, plus का 2, 2x plus 2, और upon इनको multiply करिए, तो x into x, x square, x into 5, 5x, minus 3 into x, minus 3x, और माइनस 3 इंटू 5 माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो गया 2x plus 2 upon x square, 5x minus 3x हो गया 2x, x square plus 2x minus 15
इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 इनटू 2x प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 टू जा 6x और 3 इनटू 2 प्लस का 6, इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x और माइनस 15 माइनस 6 हो गया माइनस का 21। ठीक है, अब चाहो तो ये वाला मेथड लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, और चाहो तो मिडटर्म स्प्लिटिंग से कर दो। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में कभी पूछा नहीं जाता। तो आप ये देखिए, यहाँ मुझे साफ समझ में आता है कि अगर मैं 7 - 3 कर दूं तो -4 आ जाएगा, -7 + 3 और -7 × 3 माइनस का 21 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x, x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में पूछेगा x माइनस 7, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लू कि x माइनस 7 आ जाए, तो सोचने की जरूरत नहीं, बस पहला वाला टर्म देख लो कि इसमें से क्या कॉमन लू कि इसका पहला टर्म बन जाए, तो x आ जाए, तो उसके लिए प्लस 3 ले दो बस कॉमन, और ब्रैकेट में अपने आप ही x माइनस 7 लिख दो। अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग सही करी है तो वो सही होगा, इधर भी x माइनस 7, इधर भी x माइनस 7, तो यहाँ आ गया x माइनस 7 और इधर क्या बचा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 7 को उधर ले जाओगे तो प्लस 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस 7 आ गई, यहाँ प्लस 3 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है, किसी की भी एज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो माइनस 3 को छोड़ दिया, रहमान की प्रेजेंट एज हो गई 7 ईयर्स। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, 5, 6 और 7 ये तीनों छोड़ रहा हूँ, आप लोग करेंगे। और हाँ, मैं होमवर्क देता हूँ उधर से, मैं पूछ भी रहा हूँ, आप लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, मैं पूछ भी रहा हूँ होमवर्क किया कि नहीं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है वहां से। तो या तो आप लोग अपना होमवर्क करके मेरे को भेजना शुरू करो, नहीं तो फिर मैं आपके पेरेंट्स से बात करनी शुरू करता हूँ। आप करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, सिलेबस होता जाएगा, और मैथ्स में जो डर बना रहता है वो हमेशा बना ही रहेगा, वो डर कभी निकलेगा नहीं जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जो कर रहे हैं वो लगातार करते ही जा रहे हैं अपना होमवर्क, वो भेजते भी हैं, यहाँ आते हैं ऑफलाइन तो दिखाते भी हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं करने की ठान रखी वो वही है कि अगर मैं यहाँ सामने भी बिठा कर आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन नंबर पड़ा रहेगा बस, उस पर आप कर नहीं पाओगे। कर क्यों नहीं पाओगे, क्योंकि डर बैठ गया है मन के अंदर कि ये क्वेश्चन मुझसे होगा ही नहीं, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तो करना शुरू करो होमवर्क को, नहीं समझ में आता है तो अगली क्लास में पूछो, आप पूछोगे ही तब जब आप अटकोगे, उसकी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी ये है कि आप लोग कर ही नहीं रहे हो कुछ। तो करना शुरू करो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं पेरेंट्स से बात करना शुरू करूं, और ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, 25 तारीख है आज, तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपका ये वाला जो मंथ है यानी कि ये वाला ईयर तो पूरा गया, अब जनवरी और मैक्सिमम फरवरी मान लो आपके पास है, तो आप 1.5 महीना मानो या 2 महीने मान लो, उससे ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, उतने में ही सब कुछ करना है। अभी आगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी अच्छा टफ चैप्टर है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये परेशान करता है, लास्ट तक परेशान करता है बच्चों को, वर्ड प्रॉब्लम्स होती नहीं है एग्जाम में, और इस बार तो ऑब्जेक्टिव वाला भी नहीं है, सब कुछ सब्जेक्टिव, आपको क्राइटेरिया फॉलो करना है और पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है, तो हो नहीं पाएगा। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ कि अभी भी टाइम है, हमने सबसे पहले सबसे टफ चैप्टर ही उठाया है, तो ये कर लीजिए, अगर साथ साथ नहीं करोगे ना तो परेशान ही रहोगे मैथ्स में। मैं तो कह सकता हूँ, एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, क्लास लेते हुए भी मुझे तो शायद एक हफ्ता हो गया है आज, लेकिन होमवर्क जो है वो उसमें आप लोगों की लापरवाही लगातार चल रही है। आधों को तो माइक ऑन करने में प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ बोल दें तो उधर से जवाब भी नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7,
ये नोट कर लीजिए, मैंने बता दिया है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। नहीं सर, मेरे को तो व्हाट्सएप पर होमवर्क भेजा नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था कि होमवर्क भी करना था। तो इसको नोट कर लो, 5, 6 और 7 वो हमको करना ही है। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करिए, ये मैं करवा रहा हूँ। एट में है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। बात वही है कि अगर किसी की यूनिफॉर्म स्पीड है और उसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं स्पीड को, तो जो हमको एक डिस्टेंस ट्रेवल करना था, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अब टाइम कम लगेगा। स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम कम हो जाता है, और स्पीड अगर कम कर देते हैं तो टाइम बढ़ जाता है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाती है। तो बोल रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसमें दो केस लेकर चलेंगे। केस वन, और सबसे पहले यहां पर ये लिख दीजिए, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। तो केस वन है कि वो जो ट्रेन है वो इस यूनिफॉर्म स्पीड पर, यानी कि एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड पर, वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितना, 360 किलोमीटर। स्पीड है, डिस्टेंस है, दो चीजें हैं हमारे पास, तो टाइम क्या हो जाएगा, डी वन अपॉन एस वन कितना हो गया, 360 अपॉन एक्स। केस सेकंड, अब क्या हुआ, अब वो बोलते हैं इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, 5 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड ज्यादा होती, तो मतलब अब इस केस में जो स्पीड है S2, पहले x थी, अब स्पीड आपने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो x+5 किलोमीटर पर आवर। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो देखिएगा सेम रहेगा, डिस्टेंस तो सेम है, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि सेम जर्नी ट्रेवल करने में अब टाइम कितना लग रहा है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो टाइम T2 निकाल लो आप पहले। टाइम T2 कैसे निकलेगा, D2 अपॉन S2, तो 360 अपॉन x+5। तो एज पर क्वेश्चन T1 और T2 में बताओ फिर क्या रिलेशन हो गया भाई, ये वाली जो यहां पर स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम हो गया, टाइम कम लगेगा ना अब, ठीक है। तो इधर लिखो T1, इधर लिखो T2, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करा जाएगा, T2 कम टाइम ड्यूरेशन है क्योंकि स्पीड ज्यादा है, तो T2 की वैल्यू कम है, तो उसको इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि T1 जो है, मतलब इस केस में उसको कितना लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, तो ये टाइम कम है, सॉरी 1 घंटा कम लग रहा है इस केस में, तो ये टाइम कम है और ये टाइम ज्यादा है, तो जब ये वाला टाइम कम है तो इस कम में 1 ऐड कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगा ज्यादा वाले का, समझ गए कि नहीं भाई। स्पीड बढ़ा दी तो ये टाइम ड्यूरेशन कम लगेगा ना, जब हमने स्पीड बढ़ा दी तो सोचो यहाँ पर 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, और ये 4 घंटे लग रहे थे, 1 घंटा कम लग रहा है, तो 3 में 1 आपने ऐड कर दिया, तो 1 ऐड करेंगे तो वो 4 के इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए क्लियर है भाई, यस सर, बाकियों को समझ में आ रहा है, बाकियों के माइक काम कर रहे हैं, माइक स्पीकर सब कुछ, यस सर, बोल दिया करो उधर से। तो T1 क्या है, 360 अपॉन x इज इक्वल टू 360 अपॉन x+5 प्लस 1। इसको इधर ले आओ,
360 अपॉन एक्स माइनस अब x और x plus 5 बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, इनका एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x और x plus 5 मल्टीप्लाई हो गया, ये x plus 5 इस 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन ये x इस 360 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इधर भी 360, इधर भी 360 कॉमन आ सकता है, 360 आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 5 माइनस x अपॉन x इंटू x, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। कट तो जाता पर 360 इंटू 5 भी तो करना पड़ता, अब भी वही होगा 360 इंटू 5, तब भी 360 इंटू 5 आएगा, है ना, तो 360 इंटू 5 कितना हो गया, 5 जीरो जा 0, 5 सिक्स जा 30, 3 कैरी, 5 थ्री जा 15 और 3 1800 अपॉन अपॉन छोड़िए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ गया, जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब 1800 को किस तरह से स्प्लिट करें कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो प्लस 5 के बराबर आ जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 2 900 जा 2 450 जा 2 225 जा, अभी अगला प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, 22 माइनस 21 1 5 जा, फिर 3 से 25 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये हो गया। अब जरा देखिएगा 5 5 जा 25, 3 जा 75, 3 2 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, नहीं बात नहीं बनेगी, 75 और 24 तो बहुत बड़ा हो गया, 24 3 जा 72 वो भी नहीं, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये कितना हो गया 3 3 9 5 45 8 5 2 2 4 2 8 5 40, 2 2 4 2 8 5 40, और ये 5 3 15 3 45, तो 45 और 40 1800 होता है, तो x square plus 45x minus 40x minus 1800 is equal to 0, तो पहले और दूसरे टर्म में से x आ रहा है कॉमन, x ले लिया तो क्या बचा x प्लस 45, इन दोनों में से माइनस 40 कॉमन, तो ब्रैकेट में x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, इधर भी x प्लस 45, इधर भी x प्लस 45 कॉमन लीजिए, x प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाई इधर x है और इधर माइनस 40 है इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, और यहां से हो गया x माइनस 40 is equal to 0, x is equal to minus 45 और यहां से x is equal to 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब ओरिजिनली जो ट्रेन की स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी,
बताइए जी, क्लियर है? ठीक सर। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये आप लोग करेंगे अपने आप, और क्वेश्चन नंबर 9 जरा पढ़ो और मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आ रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 9 मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन तब तक आप इसको पढ़िए, मैं अभी आ रहा हूँ। पेजेस आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहे हैं कि टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3 अपॉन 8 आवर्स। तो नाइन इज टू थ्री अपॉन 8, 8 9 का 72 प्लस 3, 75 अपॉन 8 आवर्स। पहले तो इसको ये बोल दीजिए 75 अपॉन 8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हम ये कहते हैं कि एक तो बड़ा टैप है और एक छोटा टैप है, और ये एक टैंक को भर रहे हैं। सो लेट द टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप Smaller tap, let the time taken by smaller tap to fill a tank be x hours, then the time taken by larger tap to fill a tank will be x minus 10 hours। तो अगर सिर्फ स्मॉलर टैप की बात करें कि सिर्फ स्मॉलर टैप काम कर रहा है, सिर्फ स्मॉलर टैप से हम एक टैंक को भरना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक मिनट खोल देना। अगर हम सिर्फ स्मॉलर टैप की बात करें तो स्मॉलर टैप जो है वो लेता है उस टैंक को भरने में, वो टोटल टाइम लेता है एक्स आवर्स। तो उन्होंने बोला ये जो लार्जर टैप है, लार्जर टैप वो उसी टैंक को भरने में 10 घंटे कम टाइम लेता है, 10 आवर्स कम लेता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हो गया एक्स माइनस 10 आवर्स, ठीक है। तो अब ये देखना है कि अगर हम ये बोलते हैं कि हमने यूनिटरी मेथड की बात करें तो टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप भी एक्स आवर्स टू फिल अ टैंक, एक टैंक भरने में उसको एक्स आवर्स लगते हैं, मतलब एक्स आवर्स में वो वन टैंक भरता है, तो 1 आवर में कितना टैंक भर देगा। आर का मतलब वन है, वन अपॉन एक्स पोर्शन ऑफ द टैंक। देयरफॉर स्मॉलर टैप विल फिल इन 1 आवर, वो एक्स आवर्स में वन टैंक भरता है, तो 1 आवर में कितना टैंक भरेगा। आ का मतलब, ए का मतलब क्या हो गया, वन, तो वन अपॉन एक्स पोर्शन ऑफ द टैंक आप यहां पर लिख दें, वन अपॉन एक्स टैंक, वन अपॉन एक्स, एक्स मान लो 2 है तो आधा टैंक भर दिया उसने, 1/2 मतलब आधा। एक्स अगर मान लीजिए 3 है तो 1/3 यानी कि 1/3 टैंक उसने भर दिया, सही है। इसी तरह से लार्जर टैप फिल्स इन 1 आवर, गुड आफ्टरनून, 1/(x-10) टैंक। ये हो गया, स्मॉलर टैप ने 1/(x) पोर्शन ऑफ द टैंक भर दिया, लार्जर टैप ने 1/(x-10) पोर्शन भर दिया उसका। अच्छा, और दोनों टैंक जो हैं, दोनों टैंक जब साथ साथ काम करते हैं तो 75/8 आवर्स में पूरा का पूरा टैंक को भर देते हैं, जब दोनों टैप साथ साथ ऑन दोनों को कर दिया जाता है एक साथ। इसका मतलब 75/8 आवर्स के लिए ये वाला टैंप भी चालू रहेगा और 75/8 आवर्स के लिए ये वाला भी चालू रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि
देयरफोर इन 75 अपॉन 8 आवर्स स्मॉलर टैप कितना भर देगा? स्मॉलर टैप फिल्स हाउ मच? वो एक घंटे में 1 अपॉन एक्स टैंक भरा, तो 75 अपॉन 8 में कितना? 75 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन एक्स, तो कितना हो गया? 75 अपॉन 8 एक्स पोर्शन ऑफ द टैंक, तो आप उसको सिर्फ टैंक लिख दो, ठीक है, कि उसने इतना टैंक भर दिया। सिमिलरली इन 75 अपॉन 8 आवर्स लार्जर टैप फिल्स, एक घंटे में लार्जर टैप इतना पोर्शन ऑफ द टैंक भर रहा था 1 अपॉन एक्स माइनस 10, तो 75 अपॉन 8 में कितना? 75 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 10, यानी कि 75 अपॉन 8 इंटू एक्स माइनस 10, 75 अपॉन 8 इंटू एक्स माइनस 10, तो ये हो गया। तो अब इन्होंने बोला कि 75 अपॉन 8 आवर्स तक छोटा वाला टैप भी चालू रहा, बड़ा वाला टैप भी चालू रहा, छोटे टैप ने इतना टैंक भर दिया, बड़े ने इतना भर दिया, टुगेदर दोनों ने कितना टैंक भर दिया? पूरा एक टैंक, ठीक है। तो इतना तो छोटे वाले ने भरा, इतना बड़े वाले ने भरा, तो 75 अपॉन 8 एक्स प्लस 75 अपॉन 8 इंटू एक्स माइनस 10, इतना पोर्शन उसने भरा और इतना पोर्शन उसने भरा, मानो कि आधा उसने भर दिया, आधा उसने भर दिया, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? वन। मानो कि वन थर्ड उसने भर दिया और टू थर्ड इसने भर दिया, तो वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री कितना हो गया? थ्री अपॉन थ्री, यानी कि वन। तो टोटल एक टैंक भर दिया उन्होंने, यानी कि टोटल वन। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और एक्स की वैल्यू निकाल देना। तो एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स ये है कि छोटे वाले टैंक ने कितने घंटे में भरा। अब जो घंटे हैं यानी कि जो आर्स हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू हो उसको ड्रॉप कर देना, पॉजिटिव वाली वैल्यू को एज्यूम कर लेना, समझ गए? तो ये आपको यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इतना करिए। 4.3 पूरा आपका होमवर्क है और कल मैं आपकी क्लास लूंगा, क्योंकि मंडे को मैं ऑफ रखूंगा परसों, तो कल आपकी क्लास लूंगा और क्लास का मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम रखेंगे, 11 बजे का, ठीक है? बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कल भी 11 बजे ही रखूंगा टाइम। ओके सर। ओके सर। ठीक है, मोदित, पावनी, यश, पालकी बताइए, ठीक है? अक्षरा? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, और अपना ना होमवर्क कम्प्लीट।